हेलो एंड वेलकम एमएस सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। आज आप सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बनाया जाता है। चलिए देखते हैं ये जो विधि जो सीखेंगे आपको प्रश्नावली 1.2 जो कक्षा दसम का है उस पर उपयोगी होने वाला एग्जाम में एक प्रश्न आता है आप बनाएंगे। यहाँ जो संख्या दिया हुआ है वो हमारा है अंक जो है 12, 15 और 21, इन तीनों का निकालना है HCF और LCF। तो क्या करना है 12 का अभाज्य गुणनखंड की विधि से। तो 12 को पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 12 ये आया आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने इसको अभाज्य किया तोड़ा 2, 2, 3। अब 15 को तोड़ते हैं तो 3 का टेबल में कटता 5 दाल में और 5 बन जाओ 5। अब हमारे पास 21 है इसको भी अभाज्य गुणनखंड से तोड़ दीजिए तो 3 7 जाए और 7 बन जाए। ये रहा अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको तोड़ना। ये कैसे तोड़ते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है अभाज्य संख्याओं का उपयोग करना है, मतलब जिसका 2 गुणनखंड होता है या 1 और 0 से कटता है वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं, अभाज्य अंक होते हैं, उन्हीं का उपयोग करके इसको काटना है। तो ये 12 था और 2 का टेबल से ये कट जा रहा था, मैंने काटा फिर 2 का टेबल से 6 फिर 3 बन गया 3। इसी तरह ये दोनों भी काम किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। यहाँ हमारे पास आया 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है तो आप देख चुके हैं वो है 2 × 2 × 3। 1 लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, उसे कोई फायदा नहीं है। और 15 का अभाज्य गुणनखंड, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड आया है 3 × 5। और 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा 3 × 7। अब इसमें क्या करना है आपको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सभी का फैक्टर तो हम लोग निकाल चुके हैं, इसमें से सबसे बड़ा फैक्टर कौन होता है पहले कॉमन छाटिए। तो कॉमन देखिए मैं सर्कल कर रहा हूँ वो कॉमन होगा, जो सभी का पाया जाता है वो कॉमन होता है, ये 3 है तो ये हो गया कॉमन। अब इसमें से सबसे बड़ा कोई तो को है नहीं क्योंकि एक ही डिजिट प्राप्त हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा अतः 12, 15 और 21 का HCF मोशा जिसको हम लोग बोलते हैं आ गया 3। एक आंसर आपका आ चुका है, दूसरे आंसर की ओर हम लोग चल रहे हैं। 12, 15 और 21 का LCM इसमें क्या होगा जो कॉमन होता है HCF जो होता है उसको एक लिखते हैं एक बार, फिर जो बच जाता है यहाँ बचा 2 × 2 कर दीजिए तो इसमें 5 बचा लिख दीजिए 5, इसमें 7 लिख दीजिए 7। अब सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए कि कितना आता है तो आएगा 4 × 0। आप गुना करके चेक कर सकते हैं आता है कि नहीं। ये रहा आपका आंसर, ये भी आंसर है ये भी आपका आंसर है। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जब हमारी नई वीडियो आपके पास पहुंचे उसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना जरूरी है।